शर्म करो भाई, शर्म करो। सरकार कहती है हम दो हमारे दो, ये नहीं कहती कि लगे रहो। ओ चुप कर, वो वाली खुशखबरी नहीं है। तो फिर मिलिए मेरे पीआर फर्म के नए सीनियर मैनेजर से। कहाँ है? अरे यार, तुम्हारे सामने तो खड़ी है, दिखता नहीं है? अरे मुझे मेरी कंपनी ने अपना नया सीनियर मैनेजर बना दिया है। कंपनी वाले पागल हो गए क्या? चुप कर, मुझे कुछ दिनों के लिए कानपुर भी भेज रहे हैं। क्या? तुम कुछ दिनों के लिए कानपुर जा रही हो? हाँ। और वो भी हमें छोड़ के? हाय, कब अमीर होंगे हम? कब भाभी का प्रमोशन होगा? कब हमें पॉकेट मनी मिलेगी? और कब हम ताजमहल खरीदेंगे? ओए, आप लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तुम क्या सोच रही हो तान्या? अरे पार्टी के बारे में। अरे तान्या, वो पार्टी मेरे दोस्तों के साथ है, तुम क्या करोगी वहाँ? अरे यार, मैं फेयरवेल पार्टी की बात कर रही हूँ। फेयरवेल पार्टी? हाँ, धोती है नंदू भाई, पप्पू। अरे चंदू की बेचारी जा रही है, तुम लोग को शर्म नहीं आती? अरे फेयरवेल पार्टी तो दे दो भाई। फेयरवेल पार्टी का आइडिया अच्छा है, इसी बहाने अच्छा खाना भी मिलेगा। हाँ यार, जब से मम्मी जी बुआ जी के घर गई ना, हम लोगों ने अच्छा खाना नहीं खाया। ठीक है तान्या, करते करते पार्टी करते। पर एक चीज हाँ याद रखना, सरप्राइज पार्टी रखेंगे हम, चंदू जी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। ओके? ये लोग तो मेरे जाने से कितने खुश हैं, अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं नहीं जाना चाहती? हाँ, फोन करके बता देती हूँ। नहीं नहीं, वो लोग तो कितने खुश थे। हाँ जरूर, वो लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। हाँ भाई, मुझे भाभी की याद आ रही है भाई। कितनी अच्छी थी मेरी भाभी, पूरे दिन ताला मारती थी, जूते चप्पलों से पीटती थी, गालियां देती थी, पर तब भी कितना प्यार करती थी भाई। मैं तो उनके पर्स से पैसे भी चुराता था, अब क्या करूंगा? हौसला रख पगले, हौसला रख, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? काश हम चंदू दीदी को जाने से रोक पाते। ना जाए, पर याद भी आए। नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे अपनी चंदू को जाने दे सकता हूँ, जिसने जिंदगी भर मुझसे प्यार किया, मेरा साथ निभाया, मेरा इतना ख्याल रखा। नहीं, मैं अपनी बीवी को ऐसे जाने नहीं दूंगा। पैकिंग करती हूँ। चंदू, डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं चंदू, मैं ना तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अच्छा बोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी लेकर आया, कितने प्यारे हैं ना। अच्छे, रख दो, थैंक यू। चंदू, मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि प्लीज मत। पता है मुझे, मत टेंशन लो, मत चिंता करो, बच्चों का ख्याल रख लूंगा, घर का ख्याल रख लूंगा, मैं जा रही हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, सीनियर मैनेजर बन रही हूँ, सब याद है मुझे, अब जाओ ऐसे, मुझे परेशान मत करो, जाओ। अरे चंदू, जाओ ना। सब लोग गिफ्ट दिए जा रहे, किसी को एहसास ही नहीं इस बात का कि मैं जाने ही नहीं चाहती हूँ। चलो ये कटो और खत्म करो। भाभी इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ चंदू, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है ना सोचने के लिए। अब सोचना क्या है, मुझे सब समझ में आ गया। भाई हाँ? भाई तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो भाभी को? अबे यार, उसको जाना है तो जाने देना, उसे बोलकर तू मुझे पिटवाना चाहता है? कोई तो रोक लो मुझे, फिर मैं नहीं जाऊंगी। अरे भाई, तो कौन सी नई बात है, तुम तो वैसे भी रोज पिटते हो, एक बार और पिट लो ना प्लीज। ओके। चंदू, मैं क्या कह रहा था? चंदू क्या कहना चाह रहे थे तुम? के, 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 हाँ। के तुम कानपुर जाके हमें फोन तो करोगी ना? हाँ। क्या फर्क पड़ता है फोन करूँ या ना करूँ? मैं देखती हूँ। अरे बॉस आइए, आप भी आइए। बॉस क्या चल रहा है ये सब? अरे फेयरवेल बंद करो भाई। बॉस आप मेरी चंदू को बिना फेयरवेल ले जाना चाहते हैं? आपके सीने में दिल है या नहीं? निर्दयी निष्ठुर, हमारी भाभी को हमसे दूर करना चाहते हो? तुम्हारे सर पे कभी बाल ना आए। अरे आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे, चांदनी कहीं नहीं जा रही है क्योंकि उसके फेयरवेल की जरूरत नहीं है, उसका ट्रांसफर रुक गया है। क्या? सीधी सी बात है, इसका जाना कैंसिल कर दिया गया है, इसका ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली की ही एक दूसरी ब्रांच ऑफिस में, प्रमोशन दिया गया है इसे, इसलिए नहीं जाएगी। खामखा आप लोगों ने मुझे
डांट दिया। वो इसलिए गुस्सा कर रहे थे क्योंकि ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये नहीं चाहते कि मैं जाऊं, है ना? हाँ चंदू, मैं तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। हाँ भाभी, भले ही आप मुझे पूरा दिन ताना मारे और भाई को पूरे दिन जूते चप्पल से सूते, लेकिन तब भी हम आपको दूर नहीं जाने दे सकते। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? भाई वाह, आई अप्रिशिएट दिस। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।